Hey guys, so games here. Welcome back. I'm pretty hurly, hurl. ता हैली तो खरे हैं हमारे चैनल हम करी ने। उबरे आते हैं चल पहले। फोन, थ्री, गो। Hey guys, namaste, game show and welcome back to my channel. तो guys, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज मैं मेरे कुछ सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ फैक्ट जो मैंने अभी तक किसी को भी नहीं पता, मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी बात कर रही हूँ, उनको नहीं पता है। तो मैं और मेरी सिस्टर मिलके हम लोग हमारे जो सीक्रेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो बर्थडे है वो सेम डेट आती है, हाँ, लेकिन हम ट्विन्स नहीं हैं, लेकिन हमारा जो बर्थ डेट है 1 फरवरी वो सेम डेट आती है। तो ऐसा था कि 1 फरवरी जिस दिन मेरा बर्थडे था उसी दिन को मेरी मम्मी अपने मायके जा रही थी ट्रेन में मेरे नाना नानी लेने आए थे। सो फिर बहुत ही सडनली पेन स्टार्ट हो गया और 9 महीने ही चल रहा था और फिर वॉक कर रही थी वो पूरी ट्रेन में वॉक कर रही थी, वो पेन बहुत ज्यादा हो रहा था इसलिए वो वॉक कर रही थी। तो फिर मेरे नाना बहुत प्रे कर रहे थे कि ट्रेन में ना कुछ हो जाए। तुरंत ही हॉस्पिटलाइज किया मेरी मम्मी को और एक ही घंटे के अंदर इसका बर्थ हो गया, ये बहन प्रकट हो गए और मेरी पूरी बर्थडे है सत्यानाश कर दिया इसने। तो इसलिए हम दोनों की बर्थडे सेम डेट को आती है, लेकिन वो मुझसे 2 साल बड़ी है। तो मुझे मैथ्स है ना, मैथ्स जिसे गणित बोलते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद क्योंकि मेरे मैथ्स में बहुत बहुत ही कम मार्क्स आते थे। जब भी मैथ्स का नाम आता है ना, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता मैथ्स। और मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता था और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो उल्टा था, इसका मैथ्स बहुत ही अच्छा था, मेरा बहुत ही गंदा था। हम दोनों में बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है, हम दोनों उल्टे बहुत ही अलग डायरेक्शन में जाते हैं हम दोनों। यस, सही है। वैसे मेरा जो बर्थडे है ना वो 1 फरवरी को है, लेकिन मेरी जितनी भी आईडी प्रूफ है ना उसमें मेरा बर्थडे 31 जनवरी को बोला जाता है क्योंकि मेरा जो बर्थ है ना वो रात को 2:40 को हुआ था। लेकिन पता नहीं डॉक्टर ने ऐसा क्या किया कि 31 जनवरी डाल दिया, 31 जनवरी को है, लेकिन 12 बजे के बाद टाइम चेंज होता है, हो जाता है, तो 1 फरवरी आ जाता है। तो मेरी आईडी प्रूफ में 31 जनवरी ही चलता है, लेकिन मैं सेलिब्रेट 1 फरवरी को ही करती हूँ। जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश वो मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा है। मुझे इंग्लिश में बोलना, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है क्योंकि मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी हूँ। वैसे ये भी गुजराती में ही पढ़ी है, लेकिन इसका इंग्लिश मेरे से ज़्यादा अच्छा है। मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है ना तो मैं इसे पूछ लेती हूँ, कोई स्पेलिंग नहीं आती है तो इसे पूछ लेती थी, पहले की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना तब, और कभी कभी कुछ ट्रांसलेट करना होता था ना तो भी ये मुझे करके देती थी। लेकिन हाँ, हम दोनों गुजराती मीडियम में ही पढ़े हैं, लेकिन इंग्लिश इसका ज़्यादा अच्छा है मेरे से। अब वाला जो फैक्ट है ना वो ये बताएगी। ये जो 9th standard में थी ना तो वो सस्पेंड हो गई थी स्कूल में से। उसने किया था वो एनुअल फंक्शन के दिन ही, मैडम हो गई थी थ्री फ्रेंड्स के साथ गायब स्कूल से। फिर सारे स्कूल में टीचर ढूंढ रही थी, फिर किसी लड़के चुगली कर दी कि मैम वो लोग तो 3 लड़कियां गई है बाहर। और बाहर जाके क्या किया है उन लोगों ने, रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रही थी। और इसी तरह ये हो गई थी सस्पेंड। और हम लोगों को, हम तीनों फ्रेंड को 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया था। और हम लोग खाना खा रहे थे होटल में, डोसा इडली सब खा रहे थे, हमको तो पता ही नहीं था। फिर हम लोग खाना खा के आराम से आए स्कूल में, तो स्कूल में डायरेक्ट हमको प्रिंसिपल की ऑफिस में बुलाया और और सर ने बोला कि जाओ अपने पेरेंट्स को लेके आओ। सारी फ्रेंड्स की मम्मी आई थी। उसके बाद पापा को तो बताया ही नहीं था, लेकिन 1 साल के बाद पापा को बताया था कि मैं सस्पेंड हो गई थी। तो फिर तो मामला शांत हो गया था, रफा दफा कर दिया था मम्मी ने। हाँ, मम्मी ने नहीं बताया था, मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, थैंक यू मम्मी। आप ऐसे बहुत लोग को ये फैक्ट तो पता ही होगा कि हम गुजराती है तो है। ये वाला जो फैक्ट है तो वो बहुत लोगों को पता है कि मैं गुजराती हूँ, मतलब हम गुजराती हैं,
तो हम लोग घर में गुजराती में ही बात करते हैं। आपको इसकी हिंदी से पता चल ही रहेगा कि हम लोग गुजराती है, और मेरी हिंदी से भी पता चल ही रहेगा क्योंकि गुजराती टोन आ ही जाता है। जो गुजराती लोग हिंदी बोलते हैं ना, तो टोन आ ही जाता है। टोन आ ही जाए, आ ही जाए टोन भाई। हमें आउट संभालना, टोन आ ही जाए। हम लोग हांडवा खाते हैं, ढोकड़ा खाते हैं, खांडवी खाते हैं, खमण खाते हैं, फिर घरी, हमारी सूरत की घरी बहुत अच्छी लगती है। हम लोग घरी भी खाते हैं। लगन लगन नॉट लग्न, लगन मा जवाना ये सब बोलते हैं। घड़ियाल घड़ियाल बोलते हैं, फिर बोलते हैं पाकिट पाकिट, क्या बोलते हैं पाकिट, नख पालिस नख पालिस बोलते हैं, नख पालिस। ये नील पेंट क्या होता है? नख पालिस, नख पालिस में जितना बोलने में मजा आता है ना, उतना नेल पेंट में नहीं आता है। सूरती गुजराती, सूरती लालच है हमें। सूरती आपको पता ही होगा, सूरती लोग कैसी गुजराती बोलते हैं। तू बोलती है जब माथे दुखा, उसको मैं बोलती हूँ, उसको माथा दुखता है। सो गाइस, हम गुजराती है बस। मुझे इंसान से ज़्यादा एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। स्पेशली मुझे एनिमल्स बहुत ही पसंद है। और मुझे भी बहुत पसंद है। एक्चुअली जब हमने फ्लफी को लिया था तभी से हमें पसंद है। उससे पहले मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। मतलब दूर से देखना अच्छा लगता था, लेकिन टच करने में डर लगता था। लेकिन जब से हमारे घर में फ्लफी और टॉम आए थे ना, फर्स्ट टाइम जब फ्लफी को मैं घर पे लाई थी ना, तो ये घर के बाहर, रूम के बाहर चली गई थी कि मैं रूम में नहीं सोऊंगी। तो मैं और फ्लफी हम लोग रूम में आराम से सोए थे। अब कितने दिन तक सबको डर लगता था मेरे घर में। मतलब सब लोग ऐसा बोलते थे, ऐसे टच करते तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, तो डर लगता है, ऐसा सब लोग बोलते थे। लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे स्ट्रीट एनिमल भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं स्ट्रीट एनिमल को खाना खिलाने भी चाहती हूँ। और जैसे भी मुझे कुत्ते बिल्ली कुछ भी दिखता है ना, मैं फटाफट वहाँ चली जाती हूँ। लेकिन मुझे इंसान, हाँ, और मुझे इंसान से ज़्यादा एनिमल्स बहुत बहुत ही पसंद है। इसको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, मेरे घर में सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये वाला फैक्ट तो मैं ही बताऊंगी। जब छोटे थे तो इमली का बीज आता है वो नाक में डाल दिया था। मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि मैंने इमली का, जो छोटी थी तो इमली का बीज नाक में डाल दिया था। फिर मेरी मम्मी और मेरी मौसी का जो लड़का था ना, वो ऐसे बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो मैं मेरी मम्मी के पास आई और फिर ऐसे कर रहे थे, मम्मी मम्मी। और आज भी सभी कजिन उसका अभी तक चिढ़ाते हैं ऐसे करके, रिंकू। तो गाइज, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, आपने भी ऐसे कुछ कांड तो किए होंगे छोटे, जब हम छोटे होते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता है। तो आप लोगों ने भी ऐसा कुछ किया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके जो सीक्रेट है तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा सुनने में। हम भी हंसेंगे साथ में बैठ के, है ना गाइज। हम लोग को हॉरर मूवी देखना बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन हम साथ में बैठ के हॉरर मूवी देखते हैं, पूरी चद्दर हम लोग ऐसे मुंह पे डाल देते हैं, और उसके बाद हम लोग पूरा अंधेरा कर देते हैं रूम में, और उसके बाद हम लोग हॉरर मूवी देखते हैं। और जब कुछ ऐसा सीन आ जाता है ना डरावना, तो ये मेरे हाथ दबाती है और उसके हाथ दबाती है। लेकिन हॉरर मूवी देखना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन फट्टी भी बहुत है और अच्छा भी बहुत लगता है। फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड मैंने हॉस्टल में गुजारे। व्हाट द फक, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी ना, तो जब मैं फर्स्ट और सेकंड में पढ़ती थी ना, तो मैं हॉस्टल में रह के मैंने पढ़ाई की है, फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड। हाँ, फिर हम लोग उसे हॉस्टल में छोड़ के आते थे, फिर बहुत रोते थे मैं, मम्मी और पापा। तो फिर डाला ही क्यों था इतनी छोटी बच्ची को हॉस्टल में? क्योंकि तो पढ़ाई नहीं करती थी इसलिए। अच्छा। हम दोनों में मैं बड़ी हूँ, लेकिन हाइट में ये बड़ी है और मैं छोटी हूँ। पता नहीं ऐसे क्यों हो जाता है। बहुत मैंने बहुत देखा है, बहुत छोटी बहन होती है ना, वो बड़ी बहन से लंबी हो जाती है हाइट में। ऐसा क्यों, ऐसे क्यों ना इंसाफी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप बड़े हो और आप आपकी छोटी बहन से हाइट में छोटे हो, ऐसा कुछ हुआ है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कभी कभी मैं मेरी मम्मी पापा पे प्रैंक भी करती हूँ। ऐसे मैं कभी ऐसे सोई होती हूँ ना, तो मम्मी ऐसे रूम के बाहर होती है, मतलब किचन में होती है या फिर हॉल में होती है ना, तो मेरी मम्मी को मैं डराती हूँ कि मम्मी 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 आप देख लीजिए, मैंने इसका वीडियो भी बनाया है। मम्मी जल्दी आओ, मम्मी मारो चार्जर आप रूम में थी। इस तरह से मैं कभी कभी प्रैंक भी कर लेती हूँ। इसे प्रैंक नहीं दीदी, आलस कहते हैं।
हम दोनों के कोई भी भाई नहीं है, हम दोनों अकेले ही है। अकेले मीन्स हम दोनों बहन ही है, भाई नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई हैं, कजिन, तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारा खुद का कोई भाई नहीं है। हमारे कजिन बहुत सारे भाई है। और हाँ, ऐसा भी होता है कि जिनके कोई, जिनका खुद का भाई नहीं होता है ना, उनके बहुत सारे भाई होते हैं। और मेरा नाम रिंकल है आपको पता है। तो आपने सुना होगा कि सबके नाम है वो बुआ रखती है, मोस्टली बुआ ही रखती है, लेकिन हम दोनों नाम पापा ने रखा, पापा ने रखा था। और तो मेरा नाम रिंकल है और इसका घर का नाम मोना है। वैसे उसका जो नाम है ना, रियल नेम उसका मौलिना है। बहुत लोगों को ये नहीं पता है। और इसके तो कॉलेज में और स्कूल में टीचर्स को भी नहीं पता था उसका नाम। कोई कोई टीचर को नहीं पता था मेरा नाम। और रजिस्टर में जब वो देखते थे तो फिर बोलते थे, अरे ये मौलिना कौन है क्लास में, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ऐसा है कि ऐसा है, बस ऐसा ही है। गाइज, हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम लोग जब लड़ाई करते थे ना, तो हम लोग एक दूसरे के बाल खींच के ही लड़ाई करते थे। मतलब मेरी मम्मी है ना, बाजू वाली आंटी को बुलाती थी कि जल्दी आइए, ये लोग बहुत झगड़ा कर रहे हैं, आप छुड़ाने में हेल्प कीजिए। तो ऐसे हम लोग बाल खींच खींच के लड़ाई करते थे, ऐसे तरह तक बदलो। इसीलिए हमारे बाल इतने जल्दी बढ़ते हैं। गाइज, अगर आपको बाल जल्दी लंबे करने हैं ना, तो आप बाल खींच के अपने सिबलिंग के साथ झगड़ा कीजिए, तो आपके बाल जल्दी ग्रो करेंगे। नहीं, ऐसा मत करना, ये कुछ भी। गाइस, इसके जो लाफ है ना, बहुत ही ज्यादा हॉरिबल है। डेमो दिखाओ। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसे जाएगा। मैं कुछ ज़्यादा एडिट नहीं करने वाली हूँ, जैसा है वैसा ही डालूँगी। और आपको मेरी सिस्टर कैसी लगी, आप ये भी ज़रूर बताना। बेचारी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही नेक दिल की है कुत्ती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।